दोस्तों आज एक बात बताते हैं। दुनिया में दो तरीके के लोग मिलते हैं, एक बोलेंगे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, और दूसरे वाले बोलेंगे तुम कर लोगे। पहले वाले की बात खुद की काबिलियत पे शक पैदा करते हैं और दूसरे वाले की बातें खुद पे भरोसा। जिनके बातें इतना ज्यादा आप कानों में डालोगे, आप उनकी बातों को सच कर लोगे, तो सोच समझ के सुनना किसकी है सुनना। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सिम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आऊँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की हम क्लैंपिंग फोर्स निकालने वाले हैं। तो कोई भी कंपोनेंट हो आपके पास, कोई भी कंपोनेंट का साइज है, उस कंपोनेंट का आप क्लैंपिंग फोर्स निकाल सकते हो इस वीडियो से, ठीक है। और इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं, दो तरीके से फॉर्मूला बताऊंगा, दो फॉर्मूला से आप क्लैंपिंग फोर्स निकाल सकते हो। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे क्लैंपिंग फोर्स निकालने से पहले आपको प्रोजेक्टेड एरिया निकालना पड़ता है। प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालते हो, कैसे आप होता है, इसको मैं एक्चुअली समझाऊंगा। और उसके बाद कोई भी कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट का आप आराम से प्रोजेक्टेड एरिया निकाल सकते हो और क्लैंपिंग फोर्स निकाल सकते हो। इसको हम जो बनाएंगे, जो भी कैलकुलेशन है, इसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास आप देख पाओगे 7 टन से लेके 530 टन तक मेरे पास मशीन अवेलेबल है, और उस मशीन का कितना कितना जो टाइवर डिस्टेंस है यहाँ पे भी है। तो इसको हम जो है क्रॉस चेक करेंगे और इसको हम वेरीफाई भी करेंगे कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ सही है या नहीं है। दोनों फॉर्मूला से कराऊंगा, सारा चीजें प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर रहना है, हर एक चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, हर एक चीजें आपको यहाँ पे नया नया चीजें पता लगेंगे, लास्ट तक देखना है। तो चलिए मिलते हैं सीधा डायरेक्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले अपने जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की हम एक बार साइज देख लेते हैं। जो मेरा कंपोनेंट है आप साइज देख पा रहे हो, 201 mm का है, तो हम इसको 202 मान लेते हैं, 202 mm मान लेते हैं, और ये हम 106 है। तो मेरा कंपोनेंट का साइज जो है यहाँ से 202 और 160 mm मिल गया। अब सबसे पहले हम जो है यहाँ पे सारे कैलकुलेशन वगैरह हमने पुट करके रखा है। तो सबसे पहले जो क्लैंपिंग फोर्स निकालता है, तो ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला से नहीं, दो फॉर्मूला से सिखाने वाला हूँ। एक फॉर्मूला में क्या है या अलग तरीके से यूज कर रखा है, क्लैंपिंग प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, क्लैंपिंग कांस्टेंट क्या है, केपी क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर प्रोजेक्टेड, दोनों में तो प्रोजेक्टेड एरिया है ही, तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि प्रोजेक्टेड एरिया निकालते कैसे है, ठीक है। अगर आपके सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, अगर आपके रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है उसकी प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा। तो दोनों हम तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे और जो भी वैल्यू मिलेंगे उस वैल्यू को हम दो तरीके से क्रॉस चेक करेंगे, दो तरीके से क्रॉस चेक करेंगे। इन द सेंस, एक तो मैं प्लेट के साइज में साइज निकाल के देखूंगा, एक तो मेरे पास जो मशीन है, जो मेरे पास 200 टन है, 150 टन, हर एक मशीन अवेलेबल है। यहाँ पे देखोगे 90 टन, 7 टन, 120 टन, 120, 200, ठीक है, 150, तो हर एक मेरे पास यहाँ पे मशीन अवेलेबल है। तो उसकी साइज के अकॉर्डिंग जो भी साइज बन के आता है ना, तो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करूंगा कि मेरा जो कैलकुलेशन है सही है कि नहीं। तो आपको जो वीडियो है इससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। इस तरीके से आप निकालोगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको दो फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, बेसिकली होता है चार फॉर्मूला, फोर फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला से सिखाऊंगा, ठीक है। जिसको भी इसी तरीके क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन थे वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी आप सारा चीजें देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा इंजीनियरिंग सर्विस जो है, कैट सर्विस क्या है, सैलरी में क्या है, आपकी जॉब वैकेंसी सही है, तो यहाँ पे करियर में जाके सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे, रिसेंट वैकेंसी कौन है, सारा चीजें यहाँ पे भी अपडेट मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमको ये स्टार्ट करना है, जो मेरा प्रोजेक्टेड एरिया है इसको हम कैसे निकालते हैं। बेसिकली जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है इसकी एक आपकी डेफिनेशन होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। जो मेरा देखो यहाँ पे कंपोनेंट की मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा हूँ, जिसको आपको करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया इज द सरफेस एरिया ऑफ ए प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की सरफेस एरिया होता है, ठीक है। एट पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन कौन सा होगा, ये मेरा नीचे वाला एरिया मेरा पार्टिंग लाइन है, ठीक है ना। ऑफ ए मोल्ड व्हिच परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में लगने वाला है, यहाँ पे ये मेरा मोल्डिंग डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली मोल्डिंग डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, तो इसकी परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इसको मैं अगर और इजी तरीके से आपको समझाऊँ ना, तो समझाने में ये आप समझ लो, ये मेरा कंपोनेंट है, ये मेरा कंपोनेंट है, ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है। तो लेंथ कितना है, 202 mm है, और विड्थ कितना है, 160 mm है। ये मेरा पार्टिंग सरफेस है, यहाँ से तो ये मेरा पार्टिंग सरफेस है, ये मेरा पार्टिंग है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर किधर से लगे, ऊपर से लगेगा, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है प्रोडक्ट पार्टिंग लाइन, सरफेस एरिया की पार्टिंग लाइन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे बहुत सिंपली तरीके से मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो दैट्स मीन प्रोजेक्टेड एरिया इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए प्रोडक्ट एट पार्टिंग लाइन, ये पार्टिंग लाइन में ये सरफेस एरिया हो गया, मतलब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, ये जो लाइन है ना इसमें हम हाइट नहीं लेंगे, इसको हम प्रोजेक्ट करा, एक मेरे को रेक्टेंगल मिल गया यहाँ पे,
व्हिच परपेंडिकुलर, अभी इसमें भी कंडीशन है, व्हिच परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, इस डायरेक्शन ऑफ प्रेशर की ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री में है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको जस्टिफाई करता है, इस तरीके से इसको आपको समझने में इजी हो जाएंगे। अब मेरे बात आता है प्रोजेक्टेड एरिया, अब मुझे निकालना है इसकी। तो प्रोजेक्टेड एरिया का दो होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है एल इंटू बी, और जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है सर्किल के लिए आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो मेरा यहाँ पे केस क्या है, रेक्टेंगुलर केस है, रेक्टेंगुलर जैसा ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। तो इसका मैं साइज निकालूंगा, प्रोजेक्टेड एरिया मेरे को यहाँ पे निकालना है। प्रोजेक्टेड एरिया मेरा कितना है, लेंथ कितना है 202 mm में होता है, ऑब्वियसली mm में है। अब इसको हम mm को सेंटीमीटर में ले जाएंगे। अब इसको देखना आप, एल इंटू बी 202 160, तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके ये निकल के आता है 32320, ठीक है, ये mm स्क्वायर में है, mm, तो क्या हो गया mm स्क्वायर। इसको हम mm स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं तो दो डिजिट इसका आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 323.20। ये मेरा कितने में आ गया, ये मेरा प्रोजेक्टेड एरिया होगा। हमेशा अगर आपकी क्लैंपिंग फोर्स निकल रहे हो ना, इस केस में जो भी आपकी प्रोजेक्टेड एरिया होगा इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। अगर mm स्क्वायर में निकालोगे जो फाइनल कैलकुलेशन होगा उसमें यूनिट को डिवाइड कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेस्ट है आप इधर में इसको कन्वर्ट कर लो, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकाल लेना, ठीक है। अब देखो जो प्रोजेक्टेड एरिया निकल गया, जो मेरा क्लैंपिंग होता है ना, इसके लिए मेरा क्या इंजेक्शन मोल्ड में क्लैंपिंग यूनिट होता है, एक होता है इंजेक्शन यूनिट, ठीक है, जिसका कौन सा साइड रहता है, इंजेक्शन यूनिट रहता है आपका राइट साइड में, और जो क्लैंपिंग यूनिट होता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, मशीन की बात कर रहा हूँ। अब मशीन में जो क्लैंपिंग होती है वो दो तरीके होता है, एक हाइड्रोलिक होता है, एक टॉगल होता है, ठीक है। तो हम जो भी क्लैंपिंग है आपको ये इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम आते हैं क्लैंपिंग प्रोजेक्टेड एरिया, मुझे मिल गया फॉर्मूला, मिल गया कैसे निकालना है आपको मिल गया। अब आते हैं हम क्लैंपिंग कॉन्स्टेंट, अब ये क्लैंपिंग कॉन्स्टेंट है क्या भाई, इसको समझते हम, ठीक है। तो क्लैंपिंग कॉन्स्टेंट जो होता है इसका, हर एक प्लास्टिक मटेरियल के लिए अलग अलग क्लैंपिंग कॉन्स्टेंट सही है, वो वैल्यू सही है, इसको बोलते हैं हम केपी, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है ना, टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिसको भी याद रखना है ना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, क्योंकि आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, जो तरीके से बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मोल खुल के भी दिखाऊंगा, शार्ट से भी दिखाऊंगा, हर एक मशीन का मेरे पास शार्ट लगा रहा है, 7 टन से लगभग 450 टन तक मेरे पास हर एक मशीन का स्पेसिफिकेशन है, उसके साथ भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो जिसको भी ये फोटो लिखना है स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पीडीएफ सही है तो कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी डाल देना, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकली करा रहा हूँ। पीएस का कितना है 0.32, टीपी 0.32, एबीएस, पीए, पॉलीएमाइड, कॉम का ग्लास फाइबर होगा तो इसमें कितना आएंगे, अदर इंजीनियरिंग मटेरियल होगा तो कितना आएगा, और ये आपका यूनिट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, हर एक प्लास्टिक मटेरियल का क्या मिल जाएंगे, क्लैंपिंग कॉन्स्टेंट मिल जाएंगे, केपी मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को केपी मिल गया। अब हम सीधा आते हैं इस फॉर्मूला में, अब फॉर्मूला में हम करेंगे इसको, यहाँ पे जो मेरा पहला फॉर्मूला वन है इसको हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वन मैंने यहाँ पे ले आया, ले आने के बाद मेरे को क्या है, क्लैंपिंग फोर्स इज इक्वल टू केपी, केपीएस हम किसका लेंगे, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल का, लेट से हम इसमें एबीएस में लेंगे, उसका जो यूनिट होता है टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकल रखा है, ठीक है। तो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फाइनल जो आपके यूनिट मिलता है ना इधर से मिलता है, तो हम क्या करेंगे केपी एबीएस का, एबीएस का हम केपी यहाँ से सीधा जाएंगे, एबीएस में कितना है 0.30 है ना, तो यहाँ से लेके 0.4, हमने 0.3 लेके है, यहाँ पे हमने 0.3 ले लिया, ध्यान रखना मैं पहला वाला वैल्यू ले रहा हूँ, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरा जितना टन निकलेगा उसमें मुझे प्लस में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.35 भी ले सकता हूँ, 0.4 भी ले सकता हूँ मैं, 0.3 मैंने यहाँ पे टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। अब मेरा प्रोजेक्टेड एरिया कितना है 324, कहाँ से मिला मुझे, यहाँ से 320 पॉइंट को हमने 324 कर दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब उसके करने की बात, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिवाइड है, तो सेम ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो बीच में क्या रह जाएगा, रन टन में रह जाएगा। अब क्लैंपिंग फोर्स का यूनिट होता है टन, याद रखना ये इंटरव्यू में पूछते हैं आपको। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो ना आप, तो कितना निकल के आता है आपका, अब यहाँ पे देखेंगे हम 0.30 × 324 कितने का आता है, 97.2 का आता है। अब इसकी सही है 10-50% होता है क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, मतलब 10-15% हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं, तो यहाँ पे मैं 10% जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहा हूँ, 10% अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेता हूँ तो ये कितना होता है, 10/100 × 10%, इसका 10% 97.2 9.7 का आ जाएगा। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा 106,
अब मैंने आपको पार्टिंग में बताया था यहाँ पे मैंने 0.3 पहला वैल्यू लिया है, तो आपको प्लस में लेना पड़ेगा। एक आता है 90 टन का मशीन, एक आता है 120 टन का मशीन, तो मैं किस में जाऊंगा? प्लस में जाऊंगा, तो मेरा कितना बन जाएगा? 120 टन का बनेगा। यहाँ पे 120 टन का मशीन चाहिए इस पार्ट को बनाने के लिए। ये ठीक है कि नहीं है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे लास्ट में। देखना वीडियो, एक स्टेप भी मिस मत करना, अगर मिस कर दोगे तो बहुत कुछ चीजें पता नहीं चलेगी। पहला फॉर्मूला सेटिस्फाई, ठीक है। अब दूसरी फॉर्मूला में आता है, ये होता है हम कोई भी चीजें मैनुअली कर सकते हो, ये वैल्यू सही है आपको, ठीक है, ये वैल्यू प्रॉपर होना चाहिए आपको। अब दूसरी चीज आता है जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फॉर्मूला है, ठीक है। क्लैंपिंग फोर्स इज इक्वल टू 350 इनटू प्रोजेक्टेड एरिया डिवाइडेड बाय 1000। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला टू, इसको हम सेटिस्फाई करेंगे अभी। 350 कॉन्स्टेंट है, प्रोजेक्टेड एरिया हमने निकाल लिया है 324 डिवाइड बाई 100। इन दोनों को मैं अगर मल्टीफिकेशन करता हूँ तो मैं कितने का आता है? 113400। इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में कितना आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। 350 इंटू 324 कितना आ रहा है? डिवाइड बाई 1000 कितना आ गया? 113, मतलब 113.2 का आ रहा है। इसका हम प्लस में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 टन। इसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेना, इसमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो 120 टन आपको मिल गया, तो दोनों में क्या है? 120 टन आ गया, आपका सेटिस्फाई हुआ, दोनों मेरा मैचिंग हो रहा है। अब हम इसको मैनुअली करते हैं, जैसे मेरा पार्ट का साइज क्या है? 202 107, पार साइज हम 78 mm ऐड करते हैं, 78 mm ऐड करते हैं, ठीक है, ये मोल्ड प्लेट के साइज है। अब इसके हिसाब से हम निकाल के देखते हैं कितना बन गया, 320 362 इतना बन जा रहा है, मतलब इतना मुझे बड़ा प्लेट चाहिए। अब इसको हम सेटिस्फाई करेंगे 120 टन में, ठीक है, 320 362 120 टन में आते हैं, ये 120 के लिए है, कितना है? 365 362 सेटिस्फाई है, 400 है, मतलब इससे भी बड़ा आप काम कर सकते हैं, मतलब जो 120 टन है इससे भी बड़ा जा सकते हैं। लेकिन आपका देखोगे आप यहाँ पे 90 टन में आ रहा है, 360 315 आ रहा है, ठीक है, 315 नहीं आ रहा है, 320 है, 360 एक मिनट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो है मेरा 90 टन में नहीं आ रहा है, मेरे को कितना जाने का? 120 टन में जाना पड़ेगा। ये था पूरा कैलकुलेशन। इस तरीके से आप कोई भी चीजें बनाओगे, क्लैंपिंग फोर्स निकाल सकते हो, प्रोजेक्टेड एरिया निकाल सकते हो, क्लैंपिंग फोर्स कॉन्स्टेंट निकाल सकते हो, इस तरीके से कोई भी कंपोनेंट बनाओगे ना, कैसा भी कंपोनेंट हो, इसको आपके प्रोजेक्टेड एरिया, क्लैंपिंग फोर्स आराम से निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश किया आपको प्रैक्टिकली समझाना। देखो मेरा जो क्लासेस होगा ना वो प्रैक्टिकली होता है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली इन द सेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपको पार्ट के साथ दिखा रहा हूँ। हर एक पार्ट का आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको इसी तरीके से आपको क्लास ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सिलेबस मांग लो, किस हिसाब से करा तो आपको सारा चीज़ें पता लग जाएगा। क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिशन है ना, हमेशा आपके एक्सपीरियंस बंदे से होता है, आपसे ऊपर वाले बंदे से होता है, तो आपने आपको उस लेवल पे ले जाना है। कल आप किसी भी जाओगे, इसी कंपनी में जाओगे ना, तो आप किसी के साथ भी टक्कर दे सकते हो, उसी हिसाब से आपको सीखना है। तो आज का वीडियो में इतना ही है, किसी को अगर PDF सही है तो अपना मेल ID डाल देना, मेंबरशिप वगैरह अवेलेबल है। इसी तरीके से मेंबरशिप में आपको कैलकुलेशन वगैरह मिलते रहते हैं, आपको वहाँ पर जाके कैलकुलेशन वगैरह जो भी सही है मेंबरशिप आप वहाँ पे ले सकते हो, और क्लासेस के लिए नंबर मेंशन है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट वगैरह विजिट करना है, वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जॉब वैकेंसी वगैरह अपडेट वगैरह मिलते रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।